लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता सवी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। निकल सकती है इमरान की गिरफ्तारी के बाद आर्मी हेडक्वार्टर और एयरबेस पर हमला, गृह युद्ध जैसे हालात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद उनके समर्थकों ने लाहौर और रावलपिंडी कैंट में कॉप्स कमांडर्स हाउस के घर पर हमला कर दिया। इसके अलावा इमरान खान के कई समर्थक सेना मुख्यालय के बाहर जमा होकर परिसर के बाहर पथराव और अंदर तोड़फोड़ भी किए। वायरल हो रही एक वीडियो में कुछ लोग बोला था ना, इमरान खान को ना छेड़ना भी कहते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आर्मी पर लोगों ने हमला किया हो। न्यूज एजेंसी ANI ने भी पाकिस्तानी मीडिया का हवाला देते हुए इस खबर की पुष्टि की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज यानी मंगलवार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने कोर्ट के बाहर गिरफ्तार कर लिया है। वह पिछले साल पद से हटाए जाने के बाद अपने ऊपर लगे एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रवेश कर रहे थे। इमरान खान को कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से बताया कि बहरिया टाउन ने अल कादिर ट्रस्ट को 530 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की जमीन आवंटित की, जिसके मालिक इमरान खान और उनकी पत्नी है। वर्तमान में इमरान खान पर आतंकवाद, इशनिंदा, हत्या, हिंसा, हिंसा भड़काने से जुड़े 140 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन सभी मामलों को सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में खारिज कर दिया है। ये गवर्नर हाउस की, ये लाहौर गवर्नर हाउस है, आप देख सकते हैं यंगस्टर्स में इतना ज्यादा गुस्सा है कि इस तरह के वीडियो। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुमताज ज़वेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती है, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।